प्रिलिम्स ट्वेंटी 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 जो भी इंपॉर्टेंट है है ना इसके परसपेक्टिव से जो भी प्लेसेज इंपॉर्टेंट है जो भी न्यूज के अंदर है करंट अफेयर्स में है वो अपन इसके अंदर डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे राइट सो एज यू नो दैट प्रिलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज कमिंग सो जो प्रिलिम्स के स्पेसिफिक uh, कुछ करंट अफेयर्स के पोर्शन होते हैं जैसे प्लेसेज इन द न्यूज़ हो गया पर्सन इन द न्यूज हो गया जी आई टैग हो गया राइट right? कुछ इंपॉर्टेंट आई सी एन स्टेटस ये सारी सीरीज के अंदर मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ राइट right?

आपको पर्सनलाइज कोचिंग होगा एक अलग से टीम होगा आपके लिए जो आपको इसके अंदर क्या करेगा कोचिंग uh, प्रोवाइड करेगा और आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करेगा राइट अपार्ट फ्रॉम द प्लस बेनिफिट्स यू विल हैविंग द पर्सनल गाइडेंस राइट टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडेंस स्टडी मटेरियल स्टडी प्लानर ये सारी चीजें आपके पास होंगी अपार्ट फ्रॉम वॉट अपार्ट फ्रॉम द प्लस बेनिफिट्स प्लस बेनिफिट्स में क्या है प्लस के अंदर लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट अल्टीमेट एक्सेस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेस होंगे राइट अगर आप इसके अंदर फीस देखेंगे तो प्लस की फीस जो है दैट इज फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है थर्टी मतलब आज आज लास्ट है लास्ट डे है स्पेशल डिस्काउंट का जिसके अंदर आपका जो फीस होगा इफेक्टिव फीस विल बी फोर्टी थाउजेंड राइट फोर्टी थाउजेंड समथिंग विल बी द इफेक्टिव फीस इसी तरह से आइकेनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी अभी देख रहे हैं तो सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड है बट दिस फीस इज ऑल्सो रिड्यूस बाई टेन परसेंट राइट ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू टाइप द कोड लाइव डीवी और आपको जो भी अवेलेबल बेनिफिट्स होंगे अवेलेबल डिस्काउंट्स होंगे वो यहां पर मिल जाएंगे राइट right? इसी तरह से हम देखेंगे अगर आप ऑप्शन सब्सिशन लेना चाहते हैं तो वन ईयर टू ईयर और थ्री ईयर के ऑप्शन के प्राइजेस है यहां भी आपको लाइव डीवी कोड यूज करना है जिससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा राइट अभी देखिए इसके बारे में आपको बात कर रहा था स्पेशल प्राइस वीक इज गोइंग ऑन फीस फर्दर रिड्यूस बाई दीस फोर्टी थाउजेंड नाइनटी फाइव रुपीज है वन ईयर सब्सक्रिप्शन की प्लस की प्लस जीएस की सब्सक्रिप्शन के अंदर ठीक है इसके अंदर आपको प्रेलिम स्मेज एज वेल एज सी सेट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस टू हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स ये सब चीजें अवेलेबल रहेंगे इसके अंदर प्लस कॉम्बो के अंदर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो जाएगा यू हैव टू एट मीयर सिक्स थाउजेंड रुपीज एंड यू विल गेट ऑप्शनल सब्जेक्ट विद टेस्ट सीरीज विद टॉप एजुकेटर्स विच आर टीचिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स राइट तो यहाँ पे भी आपको लाइव डी कोड यूज़ करना है और अवेलेबल डिस्काउंट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है मैं अन पे क्या पढ़ाता हूँ प्लस के अंदर ठीक है अभी देखिए थ्री कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं प्लस के अंदर राइट इस साल में थ्री कोर्सेज लॉन्च होंगे फर्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन सेकंड इज इथिक्स एंड थर्ड इज इस मॉडर्न हिस्ट्री ये तीन कोर्सेज मैं आपको पढ़ाऊंगा आप लाइव डीवी कोड के साथ अन पे सब्सक्रिप्शन करें और ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे राइट इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे कि ज्योग्राफी का ज्योग्राफी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन ठीक है ये कॉम्बैट क्या होता है ये कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर आपको क्या करना है आपको इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आपको अगर जीतने पर कुछ अच्छे रैंक्स आने पर यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे ठीक है तो लाइव टी कोड के साथ आप इसको एनरोल कर सकते हैं अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर है ये दैट इज ऑन ज्योग्राफी और ये होगा थर्ड अक्टूबर को इलेवन ए एम पर राइट इसी तरह से ट्वेंटी अल्टीमेट बुक्स आर प्रिपेयर बायटुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी आपको अवेलेबल रहेंगी अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो या फिर उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ट्वेंटी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेंगी राइट इसी तरह से लोन फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड बाय अन अकेडमी और फ्री टेस्ट सीरीज आल्सो देयर तो अकेडमी चुनौती टू पॉइंट जीरो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव डीबी कोड के साथ राइट इसी तरह से ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर से नए बचेस स्टार्ट हो गए एटीन अक्टूबर से नए बैचे स्टार्ट होने वाले हैं तो बैच फॉर्म के अंदर भी आप इसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट लेट्स लेट बिगिन विद द प्लेसेस इन द न्यूज <coughs> देखिए प्लेसेस इन द न्यूज का ये बेनिफिट है ये सीरीज का ये बेनिफिट है कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो आना ही है राइट तो हम अपने टू मार्क्स या फिर फोर मार्क्स के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे राइट तो लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल द दिस टू प्लेसेस और दिस टू बीचेस ठीक है ये प्लेसेस कौन सी बीचेस है कासरपोड एंड पादू बिदरी कासरकोड और पादू पादुभिद्री बीचेस को अभी क्या मिला है ब्लू फ्लैग टैग मिला है ब्लू फ्लैग टैग का मतलब क्या है कि इन बीचेस के ऊपर एक फ्लैग लगाकर चले गए ठीक है फ्लैग लगाकर जाने से क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि इन बीचेस के ऊपर एनवायरमेंट uh, और एजुकेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है इसका मतलब यह है कि इसकी बाथिंग वाटर क्वालिटी इज वेरी गुड ठीक है इसका मतलब यह है कि एनवायरमेंट का मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है ठीक है तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है इसलिए यहाँ पे ब्लू फ्लैग का अपन ने इसके अंदर लगा दिया अच्छा सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो को देखने से पहले ये समझ लीजिए सभी कॉपी किताब लेकर बैठे देखिए अभी भी समय है इनमें से हो सकता है कि ये सब अपन पढ़ रहे हैं इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछ ली जाए ठीक है तो ये समझो कि सब कॉपी किताब लेकर बैठेंगे और इसको बिल्कुल डेडिकेटली इसको फॉलो करेंगे राइट तो हमको क्या करना है आपको सिर्फ ये करना है कासरकोड एंड पदुबरी बीच कहां पर है कर्नाटका के अंदर ये आपको याद रखना है बाकी न्यूज़ आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और बहुत शॉर्ट के अंदर आप इसके अंदर लिख सकते हैं ठीक है ब्लू फ्लैग के बारे में तो अब देखिए मैं सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज बताऊंगा और कहां पर है वो और क्यों है इसके अंदर ठीक है ब्लू फ्लैग के बारे में मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा ये मैंने कई बार आपको डिस्कस कर लिया है राइट ये आपको इसके अंदर समझ में तो देखिए ये क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है कि बीचेस के ऊपर जाकर ब्लू फ्लैग लगा देते हैं ठीक है ये कौन लगाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ये एक एनजीओ है डेनमार्क बेस्ड एनजीओ वो इस तरह से बीचेस पे लगा देती है जो भी बीच इनको पसंद आते हैं पसंद आने का क्या क्राइटेरिया है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन अगर उस बीच पर है देन उनको पसंद आएंगे बाथिंग वॉटर क्वालिटी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीच राइट आई होप दिस इज क्लियर राइट सेकेंड इंपोर्टेंट थिंग इज दैट ला पाल्मा आइलैंड ला पाल आइलैंड क्या है ये अपन को इसके अंदर समझ में आना चाहिए अभी क्यों है क्योंकि तो यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है सर आग लग गई क्या नहीं आग नहीं लगी है वॉल्नो इन हुआ है ला पाल्मा आइलैंड इज इन द स्पेन कैसे याद करोगे पाम पाम के अंदर पेन हो रहा है ठीक है पाम के अंदर पेन हो रहा है तो ला पालमा आइलैंड इज इन द स्पेन ये इस तरह से आपको याद करना है देखिए स्पेन के अंदर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड ठीक है ग्रुप ऑफ आईलैंड जिसको अपन बोलते हैं कैनरी आइलैंड ठीक है कैनरी आइलैंड का एक पार्ट है ला पाल्मा ठीक है ला पाल आइलैंड इज ए पार्ट ऑफ कैनरी आइलैंड ठीक है अगर हम यहां पर देखें तो दिस इज कैनरी आइलैंड ठीक है और दिस इज स्पेन यहां पर देख रहे हैं स्पेन और ला पाल ये वाला जो आइलैंड है दैट इज ला पाला आइलैंड ठीक है तो ला पाल आइलैंड जो है तो पाम में पेन हो रहा है अच्छा न्यूज में क्यों है क्योंकि यहां पर अभी इरप्शन हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है दैट्स इट इज इन द न्यूज ठीक है इतना ही अपन को याद करना है मोस्ट नॉर्थ वेस्टली आइलैंड ऑफ द कैनरी आइलैंड स्पेन ठीक है और यहां पर देखेंगे अपन वॉल्कनिक इरप्शन हुआ है और वॉल्कनिक को नाम क्या है इसका कंबरी वीजा ठीक है ये व, ये जो वर्ल था ये 50 साल पहले भी आया था 1971 के अंदर अब वापस से ये आए ठीक है तो इस तरह से आपको ये दो पॉइंट इसके अंदर याद रखना है ओके थर्ड इंपॉर्टेंट कैनाल स्थानबुल कैनाल स्थानबुल आपको इस समझ में आ रहा है स्तानबुल किसकी कैपिटल है ठीक है ये बताएं स्तानबुल कहां पर है तो वहां पर एक कैनाल बन रहा है ठीक है टर्की के अंदर एक कैनाल बन रहा है और ये कैनाल जो बना रहे हैं वो टर्की के प्रेसिडेंट बना रहे हैं ठीक है और इस कैनाल की लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यहां पर देखेंगे इस कैनाल को तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर ही खत्म होगा अच्छा ये कैनाल दो सीज को क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है तो उनसे पूछा जा सकता है आपसे कि किन दो सी को कनेक्ट करता हुआ कैनाल है और यहां पर ये यह जो सी है दैट इज ब्लैक सी और ये वाला सी को, कोई मेरे को बताएगा सी ऑफ मरमरा मरमरा सी ऑफ मरमरा ठीक है तो सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी ये दो सी कनेक्ट कर रहा है कौन कैनाल स्थानबुल इसके पैरल आप देखोगे तो एक और कैनाल है ठीक है ये एक और कैनाल है 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 ये क्या है? ये 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 क्या स्ट्रेट स्ट्रेट देखिए और इसके अंदर ये भी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता हुआ एक कैनाल है दैट इज नोन एज कैनाल ये भी है नहीं इसको बनाया जा रहा है किसके द्वारा टर्की के द्वारा इसको बनाया जा रहा है राइट right? चलिए तो ये देखिए ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में ये कैनाल है Istanbul, right? Marmara, 15 billion, $15 billion इसका लगेगा इस कैनाल को बनाने के लिए राइट right? नेक्स्ट इज तुग बंद्रा डैम तुग बंद्रा डैम क्या है, <coughs> है ना नेक्स्ट इज तुक बंद्रा डैम तुंग बंद्रा डैम क्या है ये अपन देखते हैं सबसे पहले दिस इज इन कर्नाटका कर्नाटका और किस रिवर पे है ये तुंग रिवर के ऊपर जो डैम है दैट इज नोन तुंगबंद्रा डैम ठीक है अभी क्यों न्यूज में है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने विजिट कराया तुंगबंद्रा डैम को राइट तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो नोन एज पंपा सागर डैम तो कोई आपसे पूछे पंपा सागर डैम तो सेम ही है भाई तुंग और पंपा

रिवर का नाम ही पहले क्या था पंपा रिवर था राइट इट इज फॉर्म रिवर्स और भद्रा ठीक है वाइस प्रेसिडेंट साहब को अभी क्या हुआ उन्होंने तुंगभद्रा डैम को विजिट कर लिया दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज इसलिए आ गया और इसके बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने बोला भी राइट तो देखो वो टुंगा एंड भद्रा रिवर ओरिजिनेट ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट और, होती है तुंग इन रेन की मेजर ट्रिब्यूटरीज भी है ये भी आप याद कर लें भद्रा हरिद्रा वेदावती टूंगा वर्दा और कुमदावती राइट ये जो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है ना तो तुंगभद्रा रिवर क्यों बिकॉज तुंगभद्रा डैम को

ये अपना क्या है ये अपना तुंगबंदरा रिवर है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लैक सी ब्लैक सी हमेशा ही न्यूज में रहेगा बिकॉज रशिया और वेस्ट कंट्रीज के बीच में हमेशा टसल है ब्लैक सी को लेकर और ब्लैक सी इतना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ही न्यूज के अंदर रहता है तो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट इसके अंदर अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको इस, इसको एक बार देख लो मैप को अच्छे से ठीक है देख लिया मैप अब यहां पर देखो दिस इज ब्लैक सी ठीक है और यहां पर अगर हम देखेंगे इसके एडजॉइनिंग एट अगर हम देखेंगे सिक्स कंट्रीज ठीक है सिक्स कंट्रीज आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया यहां से स्टार्ट करते हैं रशिया यूक्रेन रोमानिया बुल्गेरिया टर्की एंड जॉर्जिया ये तो एक आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दंट्री इज सराउंड ब्लैक सी सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ठीक है ये एक क्वेश्चन हो सकता है तो हमने याद कर लिया रशिया यूक्रेन रोमानिया बुल्गेरिया टर्की एज वेल एज जॉर्जिया राइट इज दिस क्लियर टू एवरी वन ठीक है तो ये अपन ने पांच छह कंट्रीज अपन को सबसे पहले इसके अंदर याद करनी है और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अपन को इसके अंदर समझना है देखिए इस ब्लैक सी की जगह अगर ऐसा लिखा जाए ऑक्सीजन सी तो दिस इज सेम ठीक है ब्लैक और ऑक्सीजन सी जो है ना वो दोनों सेम है समझ में आ रहा है ब्लैक सी और ऑक्सीजन सी सेम है एक ही नाम है अगर ऐसा लिखा जाता है ब्लैक सी और ऑक्सीजन सी दोनों सेम है ठीक है अच्छा हम यहां पर एक बात करते हैं ये देखो एक सी ऑफ एजोव भी है सी ऑफ एजॉर्व और ब्लैक सी ठीक है यहां पर देखो सब बच्चे ये सी ऑफ अजोब है और ये ब्लैक सी है ठीक है सी ऑफ अजो और ब्लैक सी राइट इसको ज्वाइन करती हुई ये स्ट्रेट जो है इस स्ट्रेट का भी एक नाम है कर्च स्ट्रेट. कर्च स्ट्रेट स्ट्रेट ये समझ में आ रहा है सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट का नाम जो है कर्च स्ट्रेट है ये भी आपको इसके अंदर याद करना है राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन एक सी ऑफ एजॉफ भी है इदर, और एक कैनाल बनाई थी और नीचे सी ऑफ मरमरा था ठीक है समझ में आ गया सबको इस तरह से अपन को पूरा याद रखना है ऊपर से नीचे किस तरह से है ये सब कुछ याद रखना है अपन को राइट right? so तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन तो देखिए रशिया यूक्रेन जॉर्जिया एंड टर्की बुल्गेरिया रोमानिया ये पांच-छह कंट्री हैं जो कि बॉर्डर कंट्री है ब्लैक सी की और ब्लैक सी ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन सी इज वन ऑफ द मेजर वाटर बॉडीज इन द फेमस एज इनलैंड सी ऑफ द वर्ल्ड राइट इसको ऑक्सीजन सी भी बोलते हैं ये भी अपन को याद करना है मार्जियन सी ऑफ अटलांटिक ओशन लोकेटेड बिटवीन द ईस्टन यूरोप एंड द वेस्टर्न एशिया ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में जो सी है दैट इज नोन एज ब्लैक सी दट्स मेक इट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है इस ब्लैक सी को उसकी लोकेशन को राइट right? ब्लैक सी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सी ऑफ अजोब अजोब से कनेक्टेड है और इसको बोलते हैं किससे कनेक्टेड है स्टेट ऑफ कर्च स्टेट ऑफ कर्च आपको इसके अंदर याद रखना है ये पूछे जा सकते हैं राइट ठीक है चलिए तो जस्ट गिव गि थम्स अप एवरीथिंग इज ओके रिवर का अपन अलग से करेंगे आ, काजल गुप्ता रिवर्स वर्ल्ड की रिवर्स जो है उसका मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है क्योंकि इंडिया के रिवर तो आप पढ़ ही लेते हैं वर्ल्ड की वर्ल्ड की जो मेजर रिवर है उसका बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ राइट तो अगर वो हो जाती है वो कोशिश पूरी तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगा राइट तो कर्च स्टेट ये देखिए कर्च स्टेट है जो कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट इज लिवरपुल लिवरपुल कहां पर है सबको पता है सर इंग्लैंड के अंदर है बहुत अच्छी सिटी है सर इंग्लैंड के अंदर ठीक है इसको पहले यूनेस्को का टैग मिला हुआ था ठीक है यूनेस्को का टैग मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिला था इसका टैग जो था वो छीन लिया यूनेस्को ने क्यों क्योंकि यूनेस्को ने कहा कि भैया तुम कंजर्वेशन तो कुछ कर नहीं रहे हो यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर फुटबॉल का ग्राउंड बना रहे हो बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर लिवरपुल के अंदर रिसेंटली द सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड हैज बीन रिमूव फ्रॉम द यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो अभी ऐसे पूछा जा सकता है कौन सी सिटीज के अंदर हुआ क्योंकि यहाँ पर एक क्या बना रहा है एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है राइट जिससे कि इसकी बहुत सारी जो इको होगा उसका उसके अगेंस्ट में है ये तो उन्होंने यूनेस्को ने बोला कि भाई तुम है ना रीजन फॉर डिस् लिस्टिंग यह है कि तुम है ना ज्यादा ध्यान तो देते नहीं हो फुटबॉल का स्टेडियम बना रहे हो ऐसा थोड़ा ना होता है राइट तो इनको हटा दिया इसके अंदर से राइट नेक्स्ट इज बैटन डैम ठीक है बैटन डैम क्या है ये अपन समझेंगे ये चाइना के अंदर है ये पूछा जा सकता है ठीक है ठीक है तो बहतन डैम जो है वो चाइना के अंदर है हैज पुट इनटू द ऑपरेशन द बहतन डैम वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम ठीक है सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम इसने इसके अंदर बना रखा है और ये जो है बहतन डैम ये जिनशा रिवर पर है जिनशा रिवर ठीक है जिनशा रिवर पर जिनशा रिवर खुद एक एक बड़ी रिवर है इसके अंदर यांगतेज रिवर अगर आपने सुना हो तो चाइना के अंदर एक बड़ी रिवर बहती है यांगतेज रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है जिनशा रिवर और उसके ऊपर ये डैम है बहतन डैम ठीक है तो ये अभी न्यूज में क्यों है क्योंकि चाइना ने इसको ओपन कर दिया और ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम है बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम है राइट right? चल इसके बारे में देखें जैसे मैंने आपको बताया था जिनशा रिवर के ऊपर है ये ठीक है ये देखिए जिनशा रिवर है यहां पर, पर है ना यहां पर जिनशा रिवर दिख रही है ठीक है जिनशा रिवर के ऊपर ये वाली रिवर जो है जिनशा रिवर है जिनशा रिवर यांगटेज रिवर की ट्रिब्यूटरी है और उसके ऊपर एक डैम है दैट इज नोन एज बैतन डैम इन ये आपको याद करना है सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रोपावर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम है ये राइट इट इज ऑन द जिंशा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यांगज ठीक है इट हैज बीन बिल्ड विदोटल इंस्टॉल कपेसिटी ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड मेगावाट सिक्सटीन थाउजेंड मेगावाट ये जनरेट कर देंगे राइट नेक्स्ट इज दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है ठीक है अभी नेशनल पार्क बना है और किसने बनाया आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नेशनल पार्क बनाया है राइट तो दिहिंग पटकाई कहां पर है ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहां पर है सेम, आसाम आसाम के अंदर ये है दिहिंग पटकाई राइट चलिए आसाम गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दिहिंग पटकाई एज द सेवेंथ नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट स्टेट का सेवेंथ नेशनल पार्क है अब आप कह रहे हैं कि आप ये देखिए इसके अंदर एक पॉइंट और याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट भी किसी भी प्लेस को नेशनल पार्क बना सकती है ठीक है बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास सेक्शन फाइव की थर्टी फाइव के अंदर पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेक्शन थर्टी एट के अंदर पावर होती है कि वो किसी को भी नेशनल पार्क घोषित कर सकती है अब इसके बारे में दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में कहाँ है आसाम के अंदर ये है ये आपको याद रखना है पर्टिकुलर किस जगह है ये पूछा भी जा सकता है कभी ये बहुत मुश्किल होता है कि ये पूछ ले कि आसाम के अंदर भी कहाँ है ठीक है तो डिब्रूगढ़ एंड तिनसुखिया डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम के अंदर वहां पर ये है कौन सा आ, क्या चीज है दिहिंग पटकाई आ, जो नेशनल पार्क है वो यहां पर है ठीक है अभी अभी नेशनल पार्क बना है दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज तो पूछे जा सकते हैं और इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं अगर आप देखना चाहें तो उसके अंदर इस नेशनल पार्क के अंदर ये सारी जगह इस नेशनल पार्क के हैं दिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जियापुर रिजर्व फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ अपर दिहाइंग रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंदर है दहिंग पटकाई के अंदर है अभी जो नेशनल पार्क बना है ठीक है नेक्स्ट इज फरोई आइलैंड फरोई आइलैंड कहाँ पर है ये अपन इसके अंदर पहले समझते हैं फरोही आइलैंड कहाँ पर है ये डेनमार्क का आइलैंड है ये आपको इसके अंदर याद रखना है और अभी क्या हुआ है अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे फरोई आइलैंड डेनमार्क इस आइलैंड अभी ये बहुत न्यूज़ में है बिकॉज फोर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी एट ठीक है डॉल्फिन्स वाइट साइडेड डॉल्फिन्स वाइट साइडेड डॉल्फिन्स इसके अंदर मार गिराइए ठीक है मार क्यों गिराइए सर क्या उन्होंने अटैक कर दिया था नहीं शॉक शॉक के अंदर ठीक है इनका एक ट्रेडिशन चलता है इनका एक फेस्टिवल चलता है उस फेस्टिवल के अंदर फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी एट क्या मार गिराइये वाइट साइडेड डॉल्फिन्स ठीक है तो यहां पर ये यह देखिए वाला एंग्री एंगर ओवर किलिंग ऑफ द फोर्टी हंड्रेड डॉल्फिन इन वन डे तो ये पूछा जाए तो कभी आप बता दें कि डेनमार्क का आइलैंड है ठीक है डेनमार्क का आइलैंड है नॉर्थ आर्टिक ओशन के अंदर ये आइलैंड है राइट चलिए नेक्स्ट इज समझ में आ रहा है जस्ट अप एवरीथिंग इज क्लियर जल्दी से बताएं देखिए अन अकेडमी पे अभी मेरे तीन कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं फर्स्ट इज इथिक्स इंटरनेशनल रिलेशन थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है इन तीन कोर्सेज इस साल ये तीन कोर्सेज आएंगे मेरे ठीक है तो जो भी बच्चे अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट प्लस माई गाइडेंस विल बी देयर विद यू राइट तो सी right? तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली स्ट्रॉन्ग अर्थक्ट्यूड पॉइंट जीरो और यहां पर देखेंगे दिस इज टर्की ठीक है टर्की और ये सी राइट टर्की मेडेर सी है और यहां पर अगर आप देखेंगे ये पूरा टर्की है ठीक है ये टर्की है राइट और ये है ग्रीस टर्की और ग्रीस के बीच में जो आय जो सी है दैट इज नोन एज अगेन सी ठीक है अब इसके अंदर देखो सी ऑफ मरमरा तक अपन पहुंच गए थे सी ऑफ मरमरा के ऊपर कौन है टर्की अपन ने देखा था टर्की है और देखो अपन ने ऐसे करा था सी ऑफ मरमरा इसके ऊपर टर्की था और इसके ऊपर कौन था जल्दी से बताओ कौन सा सी था ब्लैक सी समझ में आ रहा है और ब्लैक सी के ऊपर जो छह कंट्रीज थी वो अपन ने याद कर ली थी छह कंट्रीज ब्लैक सी की राइट तो यहां से सी ऑफ मरमरा से फिर अपन कंटिन्यू कर लेते हैं आगे जाकर सी ऑफ मरमरा के अगर इस तरफ जाएंगे तो अपने पास आएगा सी समझ में आ गया एगन सी अब देखो सी ऑफ मरमरा से सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है दैट इज दर्दनलिस स्ट्रेट दर्द स्ट्रेट तो देखो कोई आदमी अगर मर जाता है मर मरा मर मरा ठीक है और फिर वो क्या कर रहा है मर मरा है तो दर्द में होगा दर्दन अली स्टेट समझ मार दर्दन अली स्टेट और फिर वो एग्जेंसी के अंदर जाएगा तो मरा हुआ आदमी को दर्द हो रहा है और वो एग्जेंसी के अंदर कूद जा रहा है राइट इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा उसको राइट अब यहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने की होगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जेंसी दो किस कंट्री के बीच में है तो भाई ग्रीस और किसके बीच में टर्की के बीच में अभी यहां पर न्यूज में क्यों है क्योंकि यहां थोड़ा सा आ गया है ठीक दैट्स इट इज इन द न्यूज दोनों कंट्री हिल गई टर्की हिल गया और ग्रीस भी हिल गया ठीक है अगर आपका बीच का दांत हिलेगा तो साइड के दोनों दांत भी हिलते हैं राइट right? तो यहां पे देखो टर्की और ग्रीस भी हिल गया सी ऑफ मरमरा सी ऑफ मरमरा के ऊपर जो है ब्लैक सी है और इन दोनों के बीच में जो कैनाल है दो कैनाल है एक पैरेलल कैनाल है एक है कौन सी कैनाल स्थानबुल और दूसरी है बॉस्फोरस स्ट्रेट ठीक है उसको अपन देख रहे थे राइट right? और फिर ब्लैक सी के ऊपर अगर अपन देखेंगे तो सी ऑफ एजॉव अभी याद कराए सी ऑफ एजॉव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट कौन सी है जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी स्ट्रेट है? <coughs> है ना ये पूरा कनेक्ट हो गया अब एक बार पूरा मैप देख लो वर्ल्ड का तुम्हारी दीवारों पर चिपका होगा मैप एक बार देख लो सब बच्चे ठीक है तो पूरा का पूरा एक बार पिक्चर दिमाग के अंदर बैठ जाएगा

एजेंसि सी ऑफ मरमरा उसके ऊपर जो सी है दैट इज व्हाट दैट इज ब्लैक सी ब्लैक सी के ऊपर सी ऑफ एजो ठीक है और उसके ऊपर कौन है उसके ऊपर तो रशिया है साहब ठीक है तो हमने इस तरह से यहां पर कनेक्ट कर लिया है तो ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है और सी ऑफ ग्रेट एजेंसि एजेंसि के बाद फिर हम यहां पे देखते हैं सी ऑफ मरमरा सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी है ना अब यहां पर यह देखो, sea of Marmara sea यह ये देखो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में ये स्ट्रेट था स्ट्रेट ये मैंने आपको याद कराया था तो पूरा का पूरा मैप आपको इस तरह से याद हो गया आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कर्च स्ट्रेट वेरी गुड ठीक है तो एक बार सब जरूर मैप में देख लें क्योंकि दीवारों पे मैप होगा सबके ठीक है सब, सब प्रिपरेशन करते हैं तो सारे बच्चे मैप तो लगा ही लेते हैं कम से कम पहला काम तो यही करते हैं अपन राइट तो देखो स्ट्रेट ऑफ दर्द कोई पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा सी ऑफ मरमरा के बाद दर्द होगा

तो हमको ये सब कुछ याद करना होगा राइट <coughs> चलिए आगे चलते हैं रॉक मेकिंग ग्रीस एंड टर्की एंड ऑल्सो इंक्लूड सी ऑफ क्रीट एंड थ्रेशियन सी तो इसके अंदर ही आ रहे हैं एजियन सी के अंदर ही सी ऑफ क्रेट और सी है, और नीचे देखेंगे तो Mediterranean sea, इसके अंदर नीचे अपन को दिख जाएगा राइट गिलगिट बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान तो न्यूज में रहता है अभी पाकिस्तान ने कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को हम फुल प्रोविंस प्रोविंस बना बना देंगे अपना। अपना बना देंगे अपना ठीक है पांचवा अपन इसको राइट तो ये देखो ये वाला जो ऊपर का एरिया है अपना कश्मीर का जो एरिया है उसके बारे में आपको बता देता हूं देखो ये चार पांच पार्ट्स के अंदर डिवाइड है इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बिल्कुल ध्यान से देखो दिस इज अक्साई चीन अक्साई चीन जिसको दबा लिया था 1962 के वॉर के अंदर चाइना ने ठीक है ये पहले अपना ही हुआ करता था फिर चाइना ने यहां से एक हाईवे निकाला हाईवे निकाल के पूरा ही दबा लिया राइट नाइन सिक्सटी टू के वॉर के अंदर राइट हमने कहा कि भाई हाईवे क्यों निकाला इन्होंने कहा लो भाई पूरा ही ले लेते हैं तुम्हारा पूरा ही ले लिया इन्होंने चीन वाला एरिया चाइना के पास है ये जो है दैट इज वक्म वैली ठीक है अच्छा ये पूरा ही हमारा है होने को तो ये पूरा ही हमारा है बट दिस इज दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने शक्शम वैली को चाइना को गिफ्ट कर दिया कि चाइना तुम गिफ्ट में रख लो ये ठीक है हमसे बिन पूछे राइट थर्ड ये है गिलगिट बाल्टिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ये है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं और इतना सा कश्मीर हमको दे रखा है अभी ठीक है और ये पाकि का सारा पार्ट ये पूरा का पूरा वैसे तो हमारा है बट अभी इन लोगों को हमने ऐसे ही थोड़ी से देर के दिनों के लिए दे रखा है राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी ये वाला जो पोर्शन है ये सबको क्लियर हो गया होगा राइट बच्चों हर चीज याद रखनी है देखो अब टाइम ऐसा नहीं है कि रिवाइज करने में टाइम लगा दें ये सब चीजें अभी के अभी अपन को पूरा का पूरा का याद रखना है राइट right? एक और इसके अंदर है डायमर भाषा डैम ठीक है एक डायमर भाषा भाषा डैम डैम है डायमर कहां पर है पाकिस्तान के अंदर है अभी चाइना और पाकिस्तान मिलकर डायमर भाषा डैम बना रहे हैं ठीक है तो दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज ये आप इसके अंदर देख सकते हैं राइट तो देखो पाकिस्तान साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद्वाइट वेंचर ऑफ द चाइना पावर्स ठीक है एंड द फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ठीक है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दाइमर भाषा डैम दाइमर भाषा डैम बनाने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कराया है ये किसके ऊपर है लोकेटेड ऑन द इंडस्ट रिवर ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है भाषा डैम ठीक है इंडस रिवर के ऊपर है ठीक है इन नदन पाकिस्तान बिटवीन द तो खोस्तान डिस्ट्रिक्ट और ये सब इतना याद नहीं करना है बस ये याद रखा इंडस रिवर के ऊपर है और ये क्योंकि वो पूछेंगे आपसे फिर सतलत दे, दे देंगे रावी दे, दे देंगे ये रिवर दे, दे देंगे सब तो इंडस रिवर के ऊपर है इसके अंदर आपको ये याद रखना है राइट नेक्स्ट इज पयानूर पयानूर क्या है क्योंकि अभी केरला महात्मा गांधी की स्मृति बनाने स्मृति म्यूजियम बनाने की बात कर रही है पयानूर के अंदर दैट्स वाई इट इज इन दूध तो पयानूर कहां पर है केरला के अंदर है भाई केरला के अंदर है राइट इज क्लियर अब देखिए इसके अंदर ये भी समझिए पियानूर जो है इसके अंदर ये बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है इसके अंदर 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 साइमन कमीशन प्रोटेस्ट हुआ था 1928 के 1938 के 30 के 1938 30 साल्ट सत्याग्रह भी इसके अंदर हुआ था पयानूर के अंदर ये पूछा जा सकता है हिस्टोरिकल प्लेस है अभी ये न्यूज के अंदर भी है केरला के अंदर ये प्लेस है ठीक है कम से कम ये तो याद ही रख लेना केरला के अंदर है केरला गांधी अंडर द लीडरशिप ऑफ केरला गांधी के केलापन ठीक है के अ, केलापन नहीं सत्याग्रह स्टार्ट करा था जिसके अंदर थर्टी थ्री सत्याग्रह थी फ्रॉम कोजीकोट टू तो पयानूर ये इन लोगों ने मार्च करा था दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट इसको सेकंड बरदोली भी बोल सकते हैं बहुत बोलते हैं तो पयानूर को सेकंड बरदौली भी बोल रहे हैं ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है और ये भी याद रखना कि महात्मा गांधी जी ने विजिट करा था इसको नाइनटीन के आसपास और नाइनटीन में विजिट करा था महात्मा गांधी ने दैट्स वाई इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वहां पर जाकर एक मैंगो का ट्री लगा दिया था वो मैंगो का ट्री आज भी यहाँ पर पाया जाता है सर कहानी क्यों सुना रहा हो जिससे कि याद हो जाए ठीक है एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट भी इसके अंदर हुआ था और बहुत सारे तो गांधी समझ में आ गया इसलिए गांधी का गा म्यूजियम स्मृति म्यूजियम यहां पर बन रहा है राइट तो देखो गांधी दे राइट नेक्स्ट इज इडलिप इडलिप क्या है कहां पर है इडलिप सबसे पहले इडलिप सीरिया के अंदर है राइट सीरिया के अंदर आई एस आई एस पहले सीरिया के अंदर बहुत सारे आई एस आई एस का सीरिया का पोर्शन आई एस आई एस ने कवर कर लिया था तो वहां से इडलिप जो है उसके अंदर से लास्ट जगह वहां पर बचे हुए थे तो वहां से भी इसको हटा दिया है आएस आए इसको राइट तो अभी देखिए यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यहां पर इडलिप के ऊपर बहुत सारे सीरियन और रशियन प्लेन ने डेडली एयर स्ट्राइक्स करी ठीक है तो उन्होंने बोला है कि दिस इज जस्ट एज ए कंसिडर्ड एज ए वॉर क्राइम जिसकी मे सेकेंड <coughs> सॉरी ठीक है तो सीरियन एंड रशियन प्लेन्स स्ट्राइक्स इडलिप कहां पर है आपको ये याद करना है सीरिया के अंदर इडलिप है राइट तो ये पूरा सीरिया इसका यहां पर लास्ट वाला जो प्रोविंस है टर्की से लगा हुआ दैट इज नोन एज वॉट इडलिप जस्ट गिव घर सके राइट सीरिया, right? है ना इस तरह से आपको स्वामी टेम्पल uh, जो है वो कहां पर है ये अपन को इसके अंदर याद रखना है तो हम देखेंगे केरला के अंदर ये टेम्पल है अभी ये न्यूज के अंदर था क्योंकि इसका जो कंट्रोल था इसका मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली त्रिवणकोर रॉयल फैमिली को दे दिया गया है राइट तो ये आपको बस ये याद रखना है पदमा स्वामी टेम्पल कहां पर है केरला के अंदर क्या डिस्प्यूट था ये मैंने डिटेल में आपको बता चुका हूं अच्छा ये बताओ ये कौन से आ, रूलर्स ने बनाया था जल्दी बताएं एनी बड़ी इन द क्लास पदमा थी करेला खाती थी करेला खा के कड़ा लगता था उसको तो क्या खाती थी, थी? फिर जल्दी से बताओ चैरी चेराज ठीक है पदमा करेला चैरी ये आपको याद रखना है राइट इसी तरह से पिछला वाला सर डू वी गेट पीडीएफ दिस यस ऑफ कोर्स ठीक है आपको पीडीएफ थोड़ा ना रखूंगा इस लास्ट टाइम पर मैं ठीक है पीडीएफ होगा जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा नामक ग्रुप पे आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी राइट देखिए नेक्स्ट इज साक्टेंग लाइफ सेंचुरी साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है भूटान के अंदर है भूटान के अंदर है न्यूज में क्यों था कि भाई एक ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग चल रही थी ठीक है इसके अंदर चाइना ने बोला कि शाकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है हमारा है ठीक है उस वक्त उन्होंने क्लेम कर दिया अभी ये भूटान के अंदर है पर इन्होंने क्लेम कर दिया कि ये हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से से पूछा गया भैया सपना आया तो उन्होंने बोला दो हजार साल पहले ये हमारा था इसलिए आज ये हमारा है राइट right? <coughs> तो इट इज इन द भूटान भूटान के अंदर है कोई अरुणाचल प्रदेश के अंदर मत लगाया ना ठीक है चाइना भड़क जाएगा राइट right? तो यहां पर देखिए भूटान के अंदर शाकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अपन को याद रखना है दिस इज प्लेस इन द न्यूज राइट एक गल्फ कंट्री हैं कल गल्फ कंट्रीज जो हैं दैट आर ऑलवेज इन द न्यूज़ ठीक है news, जिसको बोलते हैं गल्फ कंट्री काउंसिल ठीक है country, councils, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ठीक है ये हमेशा न्यूज़ में रहती है तो मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया इसके अंदर ये सिक्स कंट्रीज हैं इनके का ये नाम याद करना है अपन को कुवैत सऊदी अरेबिया बहरीन कतर यू एंड ओमान ठीक है ये छः कंट्रीज कभी पूछी जा सकती है बिकॉज इस बार जी ट्वेंटी कंट्रीज पूछी गई थी तो जी सेवन तो आपने याद ही करवा दी थी मैंने सुबह याद करवाई थी ठीक है गल्फ कंट्रीज के अंदर गल्फ कंट्री काउंसिल के अंदर पूछा जा सकता है तो कुवैत बहरीन कतर यूएई ओमान और सऊदी अरेबिया यमन इसके अंदर नहीं है ये वो ऑप्शन में यमन भी देंगे राइट चलिए नेक्स्ट इज इसराइल एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद भूटान प्लस इसराइल तो न्यूज में थे ही बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी ठीक है तो इसराइल की कुछ कंट्रीज अपन को याद करनी है तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी अगर आपको याद हो यहाँ पर इसराइल देखिए ऐसे खड़ा है और इसराइल है ना बहुत ही अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इसके अंदर दिमाग है इसराइल के अंदर है ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारा क्यों है तुम्हें पता है क्योंकि इसकी सर के ऊपर लैब रखी हुई है सर के ऊपर लैब रखी है और ये खुद इतना टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है तो यहाँ पर जीप पे बैठा है ये जीप है ठीक है तो एक आदमी समझो इसराइल को जिसकी सर पे लैब रखी है नीचे जीप है लैब का मतलब क्या है लेबननन ठीक है ये देखिए इसराइल के सर पे लेबनन इस ये इसराइल है येलो कलर का लेबननन और नीचे जीप है इजिप्ट और उसके दो फ्रेंड है रिया और जॉर्डन उसने रिया और जॉर्डन को ऐसे पकड़ रखा है मतलब इसके दो हाथ ऐसे समझ लो ये रिया को पकड़ रखा है ये जॉर्डन को पकड़ रखा है ठीक है तो सीरिया एंड जॉर्डन इज दिस टू थिंग्स राइट तो यहां पर देखो लेबनन इजिप्ट सीरिया और जॉर्डन और पीछे की तरफ जो है पीठ की तरफ इसका क्या है मेडिटेनियन सी है मेडिटेन सी याद आया सर ऊपर टर्की भी याद आया सर ऊपर कौन सा होगा कौन सा सी होगा इसके बाद जल्दी से बताएं टर्की के बाद कौन सा सी होगा और सर यहां पे भी याद आया सी ऑफ यहां पर ब्लैक सी होगा और ब्लैक सी के ऊपर कौन सा सी है सी ऑफ अगौ ठीक है वो सब याद कर लिया अपन ने राइट तो देख लो आई होप दिस इज क्लियर अब चाइना का नया प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कराया चाइना ने किसके अंदर श्रीलंका के अंदर ठीक है तो श्रीलंका के अंदर तीन श्रीलंकन आइलैंड को चाइना ने अभी क्या कराया है लीज पे ले लिया है न्यूज वहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कराया और यहां पर सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट यहां पर बना रहा है राइट इज दिस क्लियर तो यहां पर ये समझ समझिए एक, एक जो पहला एक, ये आइलैंड है तीन आइलैंड इनके नाम याद रखने अपन को ये प्लेसेस इन द न्यूज में आ जाएंगे एक हो आइलैंड ठीक है तो ऐसे याद कर लो नैना ठीक है ने डेल का लैपटॉप खरीदा किससे एक अन्ना से एना से नैना एना डेल ठीक है नैना एना नैना ने डेल का लैपटॉप खरीदा एना से ठीक है अब इसका क्या है एग्जेक्टली exactly तो मुझे भी याद नहीं है अभी देखिए डाइफ्टैना तीबू और अनाल

जीप ठीक है रिया और जॉर्डन ठीक है अगर हम देखेंगे ऊपर रिया और नीचे जॉर्डन राइट तो हमने इस तरह से याद करा था ये इसराइल इसराइल के इधर रिया सीरिया और इसराइल के बीच में एक सी है दैट इज नोन है सी ऑफ गलीलियो अब देख लो मैप के अंदर ठीक है पूरा का पूरा मैप यहां से मेटर सी से आपको सी ऑफ एजॉफ तक मैंने याद कर दिया और उसके अंदर जो छोटे छोटे सी हैं जो कि न्यूज में है वो भी अपन ने याद कर लिए ठीक है तो सी ऑफ गैलीलियो ये आपको आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी ठीक है तो यहां तक अपन ने इसके अंदर याद कर लिया आगे पर चलते इथोपियन डैम है ना ये ऐसा आएगा सर अगर ये सर ये अगर ऐसा आया ना इस तरह का डैम तो सर हम लिख देंगे क्या है ये इथोपिया के अंदर है पर ऐसा नहीं आएगा डी आर डी डैम ऐसे समझेंगे ऐसे समझ में ये इस, इस नाम से भी फेमस है ठीक है तो ये इथोपिया के अंदर है ये अपन को याद रखना है ये बहुत बड़ा डैम बना रहा है इसके अंदर दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो देखो इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और ब्लू नाइल रिवर के ऊपर है ये अपन को इसके अंदर देखना है नीली नदी के ऊपर ग्रांड इथोपियन रिनेसा डैम है और बहुत बड़ा डैम है ये आपको इसके अंदर याद रखना है ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट इज अगाती आइलैंड अगाती आइलैंड कहां पर है साहब अरेबियन सी है यह यहां पर और यहां पर ये देखो केरला है केरला से कुछ किलोमीटर दूर एक आइलैंड है दैट इज नोन एज अगाती आइलैंड ठीक है दिस इज वेरी फेमस आइलैंड ठीक है तो ये 459 किलोमीटर के अंदर केरला से 459 किलोमीटर दूर अगाती आइलैंड है अभी क्या है कि अगाती आइलैंड ठीक है इसके अच्छा ये सारे आइलैंड जो है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं इन आइलैंड के ग्रुप को जल्दी बताओ अरेबियन सी के अंदर लक्षदीप ठीक है ये मैप है लक्षद्वीप का ही मैप है आई होप दिस इज क्लियर तो अभी देखिए इसके अंदर ये न्यूज़ में क्यों है बिकॉज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना उसने ऐसे बोला है कि यहाँ पे जो अगाती आइलैंड के अंदर जो कोकोनट ट्रीज है ठीक है उनको अभी उनके ऊपर से कोकोनट नीचे गिराना फेलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज उसको बंद कर दिया है ठीक है अभी स्टे लगा दिया उसके ऊपर तो दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़ अगाती आइलैंड ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन तो ये अगाती आइलैंड इज इन द लक्षदीप ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षदीप है केरला से थोड़ा सा दूर है राइट फोर फिफ्टी नाइन किलोमीटर पांच सौ किलोमीटर के आसपास दूर है ये राइट नेक्स्ट इज गिब्रल्टर गिब्राल्टर क्या है गिब्राल्टर अगर आप बात करें गिब्राल्टर का तो गिब्राल्टर एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ठीक है ये पहले गिब्राल्टर जो था ब्रिटिशर्स का नहीं हुआ करता था बट इसको क्या करा है इसको ब्रिटिशर्स ने अपने पास रख रखा ओवरसीज टेरिटरी है राइट वैसे तो सेल्फ गवर्निंग स्टेट है सेल्फ गवर्निंग स्टेट ठीक है इसके अंदर गवर्नेंस खुद ही करता है की खुद की गवर्नेंस है बट डिफेंस और फॉरन रिलेशन डिफेंस और फॉरन रिलेशन किसके हाथ में है फॉरन रिलेशन हाथ में है ब्रिटेन के इज दिस क्लियर ब्रिटेन के हाथ में डिफेंस और फॉरन रिलेशन है किसके गिब्राल्टर के गिब्राल्टर के अभी न्यूज में क्यों आया बिफोर ब्रेक्सिट अब 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 देखो, के लिए ये बहुत important है, है? है. ठीक पर अगर आप देखेंगे तो स्टेट भी है। इसके बाद को समझते ही आप सीधे जाएंगे कहाँ तक सी ऑफ अजॉफ तक चल जाएंगे समझ में आ गया मट्टेनियन सी को देखते ही आपको याद आ जाएगा भैया आप सी ऑफ एजॉफ तक किस तरह से जाना है ठीक है ब्लैक सी सी ऑफ मरमरा ठीक है थ्रेशियन सी

है ना बच्चों याद हो रहा है सबको बताएं एक बार याद हो रहा है सब बच्चों को तो देखो गिब्राल्टर इट इज लोकेटेड सउदर्न टिप ऑफ द इबेरियन पेनसुला इबेरियन के इट इज बॉर्डर टू नॉर्थ बाय द स्पेन ठीक है बट ये किसकी ओवरसीज टेरिटरी है ओवरसीज टेरिटरी है ये ब्रिटेन की और ब्रिटेन इसके ऊपर क्या है डिफेंस और फॉरेन रिलेशन ब्रिटेन इसका कंट्रोल करता है ठीक है इसी तरह से स्टेट ऑफ गिब्राल्टर गिब्राल्टर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है

सुखाना लेक को चंडीगढ़ के हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको लिविंग एंटिटी की तरह माना जाएगा राइट लिविंग एंटिटी मतलब इसके भी कुछ राइट है ऐसे नहीं कि तुम कूड़ा करकट इसके अंदर डाल के चल जाओ तो चंडीगढ़ की लेक है ये आपको इसके अंदर याद करना है प्लेसेज इन न्यूज के अंदर सुखाना लेक आ जाए तो ये चंडीगढ़ की लेक है राइट मैनमेड सुखाना लेक मैनमेड सुखाना लेक वॉज बिल्ट इन नाइन लीब कॉर्बिशियर द आर्किटेक्ट ऑफ द चंडीगढ़ इन्होंने इसको बनाई थी राइट चलिए नेक्स्ट इज खुशीनगर खुशीनगर क्यों है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी खुशीनगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है क्यों दौड़ पड़ी है बिकॉज यहां पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा इज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ खुशीनगर एयरपोर्ट सॉरी खुशी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा इसलिए इसके अंदर है ठीक है ये एयरपोर्ट पहले से है और इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा तो यहाँ पर ये खुशी की लहर दौड़ गई है तो खुशीनगर वैसे भी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बुद्धा के अंदर बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर इसको परिनिर्वाण जो हुआ था बुद्धा का वो यहीं पर हुआ था महापरिनिर्वाण का मतलब डेथ होना ठीक राइट तो देखिए खुशीनगर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट एंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट एज लॉर्ड बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण यहां पर इनकी डेथ हुई थी खुशीनारा राइट तो यहाँ पर एक स्तूपा भी है दैट इज नोन एज महापरिनिर्वाण स्तूपा ठीक है there, right? <coughs> अच्छा, ये देखिए ये महापरिनिर्वाण स्तूपा है खुशीनगर नगर, नगर वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय सर अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1877 द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले डायरेक्टर जनरल थे किसके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर अलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट इज बीबी का मकबरा बीबी का मकबरा कहां पे है औरंगाबाद के अंदर है महाराष्ट्र के अंदर राइट तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी इसका साइंटिफिक कंजर्वेशन कन, कन, करेंगे इसका बीबी का मकबरा का ऐसे इसके अंदर बोला है अब आप बोलेंगे सर <coughs> ये क्या है कि सर आपने तो ताजमहल की फोटो लगा दी नहीं ये ताजमहल की फोटो नहीं है बीबी का मकबरा ही है ठीक है इसको इमिटेशन पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि इसका एस एक तरह से नकल की गई थी ताजमहल की पर सही से हो नहीं पाई राइट तो बीबी का मकबर के बारे में अपन बोलते हैं इट इज मोजोलियम बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिंस आजम शाह अब देखिए यहां पर क्या है बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड है है ना अभी हमको पता नहीं है कि किसने कंस्ट्रक्ट पर ऐसा माना जाता है कि प्रिंस आजम शाह ने करा था और प्रिंस आजम शाह कौन थे औरंगजेब के सन ठीक है इन द मेमोरी ऑफ इज मदर उनकी मदर के अंदर प्रिंस ने कराया अपनी मदर के अंदर दिलरास बानू बेगम ठीक है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब को ज्यादा शौक नहीं था ऐसी इन सब चीज़ों का ठीक है वो तो तोड़ने में ज्यादा बिलीव करता था कंस्ट्रक्शन के आ, अगर हम देखें तो, तो, तो डिस्ट्रक्शन में ज्यादा बिलीव करता था तो प्रिंस आजम शाह ने बनवाया ऐसे माना जाता है उनके बेटे ने बनवाया है दिलराज पानू बेगम के लिए औरंगाबाद के अंदर है महाराष्ट्र के अंदर इट इज ऑल्सो नोन है ताज ऑफ डेक्कन डेक्कन का ताज भी बोला जाता है बिकॉज इसका रिजेम्बलेंस किसका है ताजमहल की तरह है राइट नेक्स्ट इज बादशाही असूर खाना बादशाही असूर खाना जो है वो कहां पर है एनी बडी इन क्लास दिस इज इन दट हैदराबाद हैदराबाद की चार मीनार के पास में एक बादशाह प्लेस है, है? मॉर्निंग प्लेस का मतलब क्या है जहां पर शोक बनाते हैं ठीक <coughs> है मॉर्न करते हैं राइट तो देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट नगा का ट्रस्ट आर वर्किंग टू रिस्टोर द बादशाही असुर खाना बादशाही असुर खाना को रिस्टोर करने के लिए यहां पर इसके अंदर वर्क कर रहे हैं दैट्स इट इज इन द न्यूज बादशाह यसूर खाना कहें शिया मुस्लिम मॉरिंग प्लेस ठीक है नियर चार मीनार इन हैदराबाद इंडिया राइट हैदराबाद के अंदर है तो यहां पर इसके अंदर बोला जाता है राइट किसकी मेमोरी में बना था ये भी याद कर लें इमाम हुसैन की मेमोरी के अंदर बना था ठीक है इमाम हुसैन कौन थे शहीद हो गए थे बैटल ऑफ करबला के अंदर ठीक है और जिसके ऊपर फेस्टिवल मनाया जाता है मुहर्रम फेस्टिवल ठीक है तो बादशाह यसूर खाना आपको इसकी तरह से याद रखना है अच्छा बादशाहीसूर खाना किसने बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बादशाही खाना मनाया था एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग क्या करते हैं शोक मनाते हैं शिया मुस्लिम्स ठीक है किसकी आदमी मनाते हैं इमाम हुसैन याद आदमी मनाते हैं जो कि मर गए थे बैटल ऑफ करबला के अंदर और उनके ऊपर ही फेस्टिवल बनता है फेस्टिवल मुहर्रम ठीक है इट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन सिक्सटीन इलेवन खाना इज़ फेमस फॉर रिजम्प्लैंट टाइल टाइल वर्क टाइल वर्क बहुत था अच्छा था अभी तक इसकी टाइल्स जो होती है वो चमकदार दिखती है ठीक है स्टूको मिला है ठीक है थीके? लाइफ साइज स्टूको स्टूको क्या होता है जैसे अपना प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो पहले के जमाने का प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है उसको स्टूको बोलते थे राइट स्टूको क्या होता है उसकी Uh, उस, उस टूको से बनी हुई एक इमेज एक स्कल्पचर uh, मिला है यहां पर मूर्ति मिली है इट इज इन द न्यूज़ राइट तो रिसेंटली आर्कोलॉजिस्ट है लाइफ साइज़ टूको स्कल्पचर्स ठीक है फ्रॉम बुद्धिस्ट साइट फनीगिरी 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 के अंदर बुद्धिस्ट साइट है फनीगिरी है ना तेलंगाना के अंदर यहां पर इसके अंदर मिलेगा राइट right? <coughs> इट इज प्रोनेंट बुद्धिस्ट साइट इन तेलंगाना एंड एस रिलेक्स डेट्स बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी ठीक है द स्कल्पचर वेल्थ फ्रॉम द साइट शोज ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन द सतवाना पीरियड एंड ईशा इश्वकू पियड इश्वकू पियड और सतवाना पीरियड के बीच के इसके अंदर इसमें देखा तो ये ये फन, फनीगिरी हिलॉक क्या था बुद्धिस्ट प्लेस थी और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक ट्रेनिंग सेंटर था जिसके अंदर आके मॉन्क्स ध्यान करते थे तो ध्यान केंद्र भी है ये राइट ध्यान केंद्र फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्ग्स एज टू हंड्रेड वी आर आज इन विच बुद्धिस्ट मॉन्ग्स आर बिलिव टू हेव रिसाइडेड वर्ल्ड लोकेटेडेड इन दिलॉक हिलॉक के अंदर इसके अंदर पाया जाता है राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन देखिए दिस इज पार्ट वन वीडियो ठीक है पार्ट सेकेंड जल्दी आएगा राइट जल्दी आएगा मतलब आज या कल के अंदर आ जाएगा राइट इसके अंदर कुछ पोर्शंस बचे हैं अभी कुछ पोर्शंस के बाद और भी आ, इसके अंदर इंक्लूड करना है मुझे राइट तो ये पार्ट अभी जल्दी आ जाएगा बिकॉज फोर्टी मिनट से ज़्यादा का मैं इसको अंदर वीडियो बना नहीं सकता हूँ ठीक है अभी एन अकेडमी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है जिसके अंदर टेन परसेंट स्पेशल डिस्काउंट है अगर आप देखेंगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ फोटी थाउजेंड रुपीज़ का है प्लस कॉम्बो जिसके अंदर आ, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है और जिसके अंदर ऑप्शन सब्जेक्ट भी है तो ये फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी के अंदर वन ईयर की प्रिपरेशन हो जाएगी राइट right? अभी थ्री कोर्सेज मैं लेकर आ रहा हूँ अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे इंटरनेशनल रिलेशन एथिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री थ्री कोर्सेज असाइंड हो गए हैं मुझे ठीक है तो आई विल टीच दिस थ्री कोर्सेज इन द कमिंग ईयर राइट तो दोज हुईन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन इट विद द कोड लाइव डीवी राइट बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास इंटरनेशनल रिलेशन में तो हम टू हंड्रेड मार्क्स तक हम इसके अंदर कवर करेंगे एथिक्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा राइट आई होप दिस इज क्लियर तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज क्लास ठीक है प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वन प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली एंड दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास थैंक यू सो मच अच्छा कुछ कमिंग वीडियो समझ लो अभी एक तो इसका पार्ट टू आएगा अभी सुनते जाओ क्या क्या आएगा पहले समझ लो पार्ट सेकेंड आएगा राइट इसी का एक पर्सन इन न्यूज आएगा पर्सन इन न्यूज ठीक है ये मैं आपको पढ़ा दूंगा है ना तो ये इसका पार्ट सेकंड कल या परसों मैं देखता हूँ कब मैं दे सकता हूँ उसको सेकंड पर्सन इन न्यूज़ ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडेक्सेस ठीक है दिस इज़ आल्सो है ना इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो होंगे वो सारे इंडेक्सेस मैं आपको करवा दूंगा एक बार वापस एंड इसके अलावा क्या करा सकते हैं आपको ठीक है कुछ और अगर आप चाहते हैं है ना करंट अफेयर्स में से पढ़ाना इस्पेशल करंट अफेयर्स के अंदर से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें Okay, and that's all for today's class. Thank you so much for listening me. Bye bye.